सनातन धर्म के अनुसार वर्ष में कुल 12 अमावस्या पड़ती है। अमावस्या के दिन चांद लुप्त हो जाता है, जिसकी वजह से आसमान में घना अंधेरा छा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि पर पूजा पाठ करने का विशेष महत्व माना जाता है। अमावस्या को लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी स्थित महामाया मंदिर के पंडित मनोज शुक्ला ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसको लेकर भी ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज शुक्ला ने अपनी बात रखी है। जैसे कि अमावस्या जो तिथि पड़ती है वह किसी भी माह की कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि होती है, जिसको हम अमावस्या कहते हैं। यह अमावस्या की तिथि देव पितृ कार्यों के लिए बहुत ही शुभ मानी गई है। जैसे कि अपने कुल देवता की पूजा करना है, कुल देवी की पूजा करना है, तो इस दिन बहुत अच्छा मुहूर्त रहता है। उसी तरह जाने अनजाने जो चले गए हैं पितरों के निमित्त, या जिनके निमित्त कुछ दान इत्यादि करना है, पिंड श्राद्ध करना है, तो अमावस्या तिथि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन स्नान करने का बहुत ही पुण्य बताया गया है, इसीलिए इस दिन स्नान दान अमावस्या भी कही जाती है। जैसे बड़े बड़े हमारे भारत भूमि में जो पावन तीर्थ हैं, महानदी है, सागर हैं, वहाँ पर स्नान करके इस दिन दान करने से पितर जो है तृप्त होते हैं। जिनको पितृ दोष लगा है या जिनके घर में किसी तरह की निगेटिविटी नकारात्मक प्रभाव है, उनको इस दिन बड़े तीर्थों में स्नान करके अपने पितरों के निमित्त यथाशक्ति दान करना चाहिए। इस दिन देवी को विशेष पूजा आराधना की जाती है, जिसका परिणाम बहुत त्वरित फलदायी होती है और सुफलदायी होती है। माता रानी जो है अमावस्या तिथि की पूजा में जल्दी प्रसन्न होती है, इसलिए अमावस्या तिथि बहुत सर्वश्रेष्ठ मानी गई। और उस दिन क्या कुछ नहीं करना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जैसे कि कोई नया कार्य प्रारंभ करना हो तो अमावस्या तिथि के 2 दिन पहले से लेकर अमावस्या तिथि तक थोड़ा सा मुहूर्त समय इत्यादि दिखा लेना चाहिए। अति आवश्यक हो तो उस दिन जो है विशेष घटी पल इत्यादि देख करके मुहूर्त निकाली जाती है, और जो यात्रा इत्यादि है उस सब के लिए एक विशेष मुहूर्त जो है निकलवा करके इस दिनों में यात्रा करना चाहिए, अन्यथा टाल देना चाहिए।